इंडियन ऑयल के डिपो पर रिकॉर्ड से ज्यादा केरोसिन मिलने पर कार्रवाई की गई। गोदाम के मालिक संजय गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद आज मेरठ पुलिस ने शंभू नगर से संजय गुप्ता के मकान को सील कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ आज मेरठ के तमाम व्यापारी एसएसपी दफ्तर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद तमाम व्यापारियों ने एसएसपी से मिलकर इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। एक रेड की गई थी, उसमें केरोसिन 72,000 लीटर अतिरिक्त बरामद हुआ था। उस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ये जो लोग आए थे उनकी ये मांग थी कि जो विवेचना इसमें की जा रही है वो विवेचना निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी व्यापारियों का किसी प्रकार का कहीं समस्या ना हो, उत्पीड़न ना हो, वो उनकी मांग थी, उनकी बात को सुनी गई। क्या सील लगाई गई है मकान पे? परिवार का आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से रात को परिवार के महिलाएं अंदर थी और सील लगाई गई। नहीं, ऐसा कोई आरोप उन्होंने महिलाएं अंदर से सील लगाई गई ऐसी मेरे सामने कोई बात नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि मकान पर सील की बात थी। आईओ वहाँ सीना प्राइम था, रात का मौका था, बहुत सारे इविडेंसेज लेने थे, तो आईओ ने मकान पर सील लगाई थी और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आईओ जब इन्वेस्टिगेशन के पूरे कर लेंगे, नक्शे वगैरह बना लेंगे, तो सीना प्राइम से वहाँ से उसको हटा देंगे, ये उनको बता। 5-6 दिन हो गए जांच में, अब तक प्रथम दृष्टया क्या आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है और इसी के प्रोसेस में सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही कोई और फर्दर डेवलपमेंट होगा आप लोग से। सर, आज जो छापेमारी हुई है उसमें जो उसमें क्या क्या निकला है, जो क्या कार्रवाई की गई है? आनंद जैन वाला सर, आज जो कथा थी, आज जो छापेमारी हुई है वो कोई फोन कॉल आई थी, उसकी सूचना पर सभी विभागों की सम्मिलित टीमें गई हुई थी और वो जो भी चीज़ें निकल कर अभी आएंगी जाँच हो रही है। छापेमारी किसी व्यक्ति विशेष के घर पर नहीं हुई है, एक स्थान पर हुई है और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जेल में फांसी की भूमि को कब्जाने को लेकर जिलाधिकारी रामपुर से शिकायत की थी, जिसमें जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि केवट खसरा नगर पालिका में उपलब्ध भूमि पर आजम खान ने कब्जा कर रखा है, जबकि 518 एवं 519 पर आजम खान की बहन का घर व दुकानें बनी है, जबकि 518 कृषि भूमि में दर्ज है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला कारागार की जमीन की नापतोल के आदेश दिए हैं। मैंने कल एक शिकायत की थी जिलाधिकारी साहब से कि आजम खान के कब्जे में जेल से बनी फांसी की घर भूमि जो है वो उनके कब्जे में है। आजम खान जी, देखिए, रामपुर जिला जेल में एक समय में यहाँ पर एक फांसी घर हुआ करता था, जो 1943 के रिकॉर्ड्स के अनुसार आज भी नगर पालिका में 512 जो केवट खसरा संख्या है वहाँ से लेके और 519 तक आज भी फांसी घर के नाम से दर्ज है। आजम ने अपनी सरकार में सारे नियमों को ताक पर रखते हुए ये सारी ज़मीनें अपने अपने रिश्तेदारों और अपने कार्यकर्ताओं के वहाँ पर उनको कब्जा करवाया। आज उसमें बैंक चल रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं और जो रिश्तेदार हैं उनके उनके बड़ी बड़ी वहाँ पर आलिशान कोठियाँ बनी हुई हैं। मैंने कल जिलाधिकारी महोदय को ये सारी शिकायत दी थी, उन्होंने नगर पालिका का रिकॉर्ड चेक करवाया और मेरी शिकायत को सही पाया। मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजम चाहते थे कि जो जेल है वो वहाँ से उठकर सिविल लाइन्स आ जाए ताकि ये अपनी 19 एकड़ की जेल पर पूरी तरीके से उस पर कब्जा कर सकें और रातों रात जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर दीवारें उठवाई थी जेलों की दीवारों को तोड़ के, तो सारा जांच का विषय है और मुझे लगता है अब बहुत जल्द इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। जब ये जेल के अंदर कुछ भूमि पे कब्जा करने की शिकायत आई है कि उस पर आजम खान की बहन और पत्नी का कब्जा है, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल के बगल में ज़मीन है, उसमें आकाश सक्सेना की शिकायत आई है, उस हमें प्राप्त हुई है, उसमें उनका कहना है कि उस ज़मीन पे कब्जा है। अभी हमने सिर्फ कागज़ देखे हैं, आज पैमाइश भी की जा रही है और उसमें जांच कर रहे हैं, जांच के बाद देख जो भी निकलेगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मतलब क्या शिकायत क्या करी है उन्होंने? उसमें शिकायत यह है कि जेल के बगल में फांसी घर की ज़मीन थी, घाटा संख्या 518/कुछ है और एक घाटा संख्या 519 है, उसमें उसके ऊपर उनकी दो नाम दिए गए हैं, उसमें एक राज्यसभा के सांसद हैं, माननीय सांसद हैं तंजीम फातिमा जी, और एक जो लोकसभा सांसद हैं माननीय लोकसभा सांसद हैं उनकी बहन, इन दोनों लोगों का अवैध रूप से कब्जा है। हमें अभी इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ इंक्वायरी शुरू की है
स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि किसका कितना कहाँ कब्जा है, पर उसमें जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके साथ। अच्छा, किसकी निगरानी में कमेटी बनाएगी? ये ADME और SDM दोनों लोग जांच कर रहे हैं, उसके बाद उसका परीक्षण भी हम कराएंगे। उसकी जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है जो जांच के लिए, उसे परीक्षण कराएंगे, उसके पश्चात ही कोई कार्रवाई। अच्छा, लगभग कितनी जमीन पे आरोप है कि कितना कब्जा है, कितनी जमीन पे? जमीन का डिटेल अभी हमें नहीं पता चला है, उसमें अभी आज पैमाइश होगी तो ही पता चल पाएगा कि कितनी जमीन। प्लस शिकायत मिली है कि जेल की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया है। जी, जेल की जमीन पर कब्जा करने का। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के लार थाने की पुलिस द्वारा मेहरौना चेक पोस्ट बिहार बॉर्डर के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक से टाइल्स के पेटियों के बीच 220 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए है। हरियाणा के भिवानी से पकड़े गए तस्कर के खिलाफ लार पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।